भागलपुर नगर निगम के वार्ड 51 में पार्षद पद का उपचुनाव 9 फरवरी को होना है। यहां के लगभग 8,500 वोटरों में 3,500 महिलाएं हैं। मतदान की तारीख नजदीक आने से उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हो गई हैं। दो उम्मीदवार दीपिका कुमारी और अनामिका देवी चुनाव लड़ रही हैं। सभी उम्मीदवार विकास के नाम पर वोट मांग रही है। वहीं बता दें कि यहां से पूर्व पार्षद रूबी देवी की 17 महीने पूर्व आकस्मिक मौत हो गई थी, जिसके बाद चुनाव यहां कराने का निर्णय लिया गया। भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि कुल मतदान 7 बूथ पर होना है और सभी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, नगर निगम का उपचुनाव 9 तारीख को निर्धारित है और 51 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद की मृत्यु के चलते यह स्थान रिक्त हुआ था, तो इसके निर्वाचित पदाधिकारी के रूप में श्री मनोज कुमार ADM घोषित हैं और इलेक्शन की सारी तैयारी कर ली गई है, जिसमें स्टेट फोर्स और जितने भी यहाँ पर मतदान केंद्र हैं सभी मतदान केंद्रों को ठीक करा दिया गया है नगर निगम के माध्यम से और शिक्षा विभाग के माध्यम से। वहाँ रैंप, पेयजल, बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करा दी गई है और मतदान कर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की जा रही है, तो हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में मतदान का कार्य सम्पन्न होगा। 51 के पहले भी दावेदार था और पार्षद जो है उसकी रूबी देवी के देहांत के बाद फिर से शशि मोदी अपनी पत्नी को जो है खड़ा किया है और बाहरी मोहम्मद से हम लोग शशि मोदी को जिताएंगे। और शशि मोदी पुराना सामाजिक कार्यकर्ता भी है, राजनीतिक में रहते हुए भी वो अच्छी तरीके से समाज का सेवा करता रहा है और उनकी भौजाई का देहांत होने बाद यानी रूबी देवी का देहांत होने के बाद भी वो लगातार 17-18 महीना तक वो अच्छे तरीके से समाज में काम करते रहा और पार्षद के रूप में वो किसी को खलने नहीं दिया, इसलिए उससे अच्छा कैंडिडेट शशि मोदी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता कोई नहीं अभी यहाँ पर है। और जो है वार्ड पार्षद 51 में जीत इसकी निश्चित है और हम लोग इसका पूर्ण समर्थन करके इनको जिताने का काम कर रहे हैं।